देश और प्रदेश में बढ़ रहे रेप मामलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग को लेकर रोहतक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। कठुआ और उन्नाव में हुई रेप की घटनाओं की तंवर ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले बढ़े हैं। तंवर ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रेप मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च डी पार्क से अंबेडकर चौक तक निकाला। लगातार सड़कों के ऊपर ही है पिछले 4 साल से, लेकिन आज एक बार फिर जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि पूरे मुल्क में रेप की, गैंग रेप की जो घटनाएं हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हरियाणा के अंदर पिछले दिनों दर्जनों, एक ही हफ्ते के अंदर दर्जनों से भी ज़्यादा घटनाएं घटी, हर रोज़ 3 से ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं, महिलाएं मारी जाती हैं। अभी हाल फिलहाल आप सबने देखा कि उन्नाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के विधायकों को संरक्षण देने का काम किया। उन्नाव की घटना, आसिफा का मामला हमारे सबके सामने है, सूरत में परसों हुआ, कल रोहतक के अंदर टिटोली के पास 7-8 साल की बच्ची का शव मिला है, और ये इस तरीके से बच्चियों के ऊपर जो जाती है, और सरकार कोई भी ठोस कदम उठाने में, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे प्रदेश में खट्टर सरकार हो, नाकामयाब रही है। आज उसी के खिलाफ यहाँ पर हम सारे साथी, और सबसे बड़ी बात, रोहतक की जनता सड़कों के ऊपर आई है। मैं समझता हूँ कि सरकार को अब तो अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पहले से ही कार्रवाई, अगर निर्भया होने के बाद, मैं समझता हूँ कि जब सरकार आई उसके बाद जिस तरीके से कानून बना था, अगर उसको ठीक तरीके से लागू कर दिया जाता तो आज जो महिला और बच्चियों के साथ जिस तरह की घटनाएं हैं, अपराध हैं, उसमें बहुत भारी कटौती हो सकती थी, लेकिन ये सरकार ने वो नहीं किया और जिसका खामियाजा आज पूरे मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जहाँ भी मामला हो, जो जनसाधारण है उसको भी सड़कों के ऊपर उतर करके, और इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशीलता के साथ, संजीदगी के साथ उठाना चाहिए ताकि सरकार को हम बाध्य कर सकें कि वो हमारी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए सुरक्षा का माहौल स्थापित कर सकें। एक तरफ तो हरियाणा की बेटियां सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आ रही हैं, दूसरी तरफ गुड़गांव से लेकर के पूरे हरियाणा में इस तरीके के अपराध लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की और सरकार की नाकामयाबी। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये मानवता से जुड़ा हुआ मामला है। बेटी बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, किसी भी धर्म के मानने वाले की हो। अगर हम बेटियों में इस तरीके से भेदभाव करेंगे तो कभी भी समाज सुरक्षित नहीं होगा, और यही हमारा संदेश है। बीजेपी के दो मंत्री नहीं, वो तो बीजेपी के मंत्री जगह जगह पक्ष में आ रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप पुरानी अगर वीडियो क्लिप और जो भाषा थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, चाहे प्रधानमंत्री जी की खुद हो जो समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, या फिर हम उनके और दूसरे नेताओं की देखें, आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, अगर वो उसी के ऊपर हम अमल कर दें तो मैं समझता हूँ कि देश और प्रदेश हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित हो जाएगा, जिसकी बहुत बड़ी कमी आज दिखाई देती है। नहीं, जो लोग बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, बेटियों को महफूज नहीं रख सकते, वो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे में सबसे बड़ी तो हमारी प्रायोरिटी है कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें, उसके लिए सबसे पहले कदम उठाएं, और ना उठा सकें तो फिर अपना जो मामला है वो छोड़ करके उनको चले जाना चाहिए। इसके लिए रोहतक से सनी की रिपोर्ट।